अन्य आईपीसी में धाराओं का मतलब धारा 307 हत्या की कोशिश, धारा 302 हत्या का दंड, धारा 376 बलात्कार, धारा 395 डकैती, धारा 377 अप्राकृतिक कृत्य, धारा 396 डकैती के दौरान हत्या, धारा 120 षड्यंत्र रचना, धारा 365 अपहरण, धारा 201 सबूत मिटाना, धारा 34 सामान आशय, धारा 412 छीना झपटी, धारा 378 चोरी, धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव, धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना, धारा 300 हत्या करना, धारा 309 आत्महत्या की कोशिश, धारा 310 ठगी करना, धारा 312 गर्भपात करना, धारा 351 हमला करना, धारा 354 स्त्री लज्जा भंग, धारा 362 अपहरण, धारा 415 छल करना, धारा 445 गृह भेदम, धारा 494 पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह, धारा 499 मानहानि, धारा 511 आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड। हमारे देश में कानूनन कुछ ऐसी हकीकतें हैं जिसकी जानकारी हमारे पास नहीं होने के कारण हम अपने अधिकार से महरूम रह जाते हैं। तो चलिए ऐसे ही कुछ पांच रोचक फैक्ट्स तारांकन की जानकारी आपको देते हैं, जो जीवन में कभी भी उपयोगी हो सकती है। एक, शाम के वक्त महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं हो सकती तारांकन। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 46 के तहत शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 के पहले भारतीय पुलिस किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकती, फिर चाहे गुनाह कितना भी संगीन क्यों ना हो। अगर पुलिस ऐसा करते हुए पाई जाती है तो गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत मामला दर्ज की जा सकती है। इससे उस पुलिस अधिकारी की नौकरी खतरे में आ सकती है। दो, सिलेंडर फटने से जान माल के नुकसान पर 40 लाख रुपए तक का बीमा कवर क्लेम कर सकते हैं। पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी के तहत अगर किसी कारण आपके घर में सिलेंडर फट जाता है और आपको जान माल का नुकसान झेलना पड़ता है तो आप तुरंत गैस कंपनी से बीमा कवर क्लेम कर सकते हैं। आपको बता दें कि गैस कंपनी से 40 लाख रुपए तक का बीमा क्लेम कराया जा सकता है। अगर कंपनी आपका क्लेम देने से मना करती है या टालती है तो इसकी शिकायत की जा सकती है। दोषी पाए जाने पर गैस कंपनी का लाइसेंस रद्द हो सकता है। तीन, कोई भी होटल चाहे वो 5 स्टार ही क्यों ना हो, आप फ्री में पानी पी सकते हैं और वॉशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन सीरीज एक्ट 1887 के अनुसार आप देश के किसी भी होटल में जाकर पानी मांग कर पी सकते हैं और उस होटल का वॉशरूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। होटल छोटा हो या 5 स्टार, वो आपको रोक नहीं सकते। अगर होटल का मालिक या कोई कर्मचारी आपको पानी पिलाने से या वॉशरूम इस्तेमाल करने से रोकता है तो आप उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। आपकी शिकायत से उस होटल का लाइसेंस रद्द हो सकता है। चार, गर्भवती महिलाओं को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के मुताबिक गर्भवती महिलाओं को अचानक नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। मालिक को पहले 3 महीने की नोटिस देनी होगी और प्रेगनेंसी के दौरान लगने वाले खर्चे का कुछ हिस्सा देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ सरकारी रोजगार संगठन में शिकायत कराई जा सकती है। इस शिकायत से कंपनी बंद हो सकती है या कंपनी को जुर्माना भरना पड़ सकता है। पांच, पुलिस अफसर आपकी शिकायत लिखने से मना नहीं कर सकता। आईपीसी के सेक्शन 166 के अनुसार कोई भी पुलिस अधिकारी आपकी कोई भी शिकायत दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसके खिलाफ वरिष्ठ पुलिस दफ्तर में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
अगर वो पुलिस अफसर दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल हो सकती है या फिर उसे अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है। इन रोचक फैक्ट्स को हमने आपके लिए ढूंढ निकाला है। ये वो रोचक फैक्ट्स है जो हमारे देश के कानून के अंतर्गत आते तो है, पर हम इनसे अनजान है। हमारी कोशिश होगी कि हम आगे भी ऐसी बहुत सी रोचक बातें आपके समक्ष रखें जो आपके जीवन में उपयोगी हो। इस मैसेज को आगे भी भेजना और अपने पास सहेज कर रखना, आपके कभी भी ये अधिकार काम आ सकते हैं।